ओए, 15 दिन में मरने वाली सारा से तू प्यार का इजहार करेगा, पर तूने 5 दिन पहले ही वेस्ट कर दिए हैं। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तू अपने दिल की बात कब बोलेगा यार? हाँ, आज ही बोल दो। वैसे मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे कोई सेकंड हैंड ही मिलना लिखा है। थिरु, ये मेरे लिए ठीक है, तू जा यार। पूजा की थाली देना। जी सर। सारा आ गई है, अपने दिल की बात बोल दे। हे भगवान, शिवानी की उम्र लंबी करना। हे भगवान, सारा को लंबी उम्र देना। ओए, रिंगटोन बदल अपनी। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लंबी उम्र किसको चाहिए चाचा, 10 दिन जियो लेकिन शान से जियो। जीती रहो बेटी। ओम त्र्यंबकम् नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री महादेवाय नमः। मैं परिक्रमा करके आता हूँ। दाईं तरफ से शुरू करना। स्वामी जी नमस्ते। वो भगवान से क्या मांग रहे थे? वो लड़का किसी से प्यार करता है और उस लड़की के पास सिर्फ 15-20 दिन ही बाकी हैं, लेकिन उसकी लंबी उम्र की मन्नत मांगकर वो ये पूजा कर रहा है। सच में वो लड़की बहुत भाग्यशाली है। ए, हमें वो एक लड़का मिला था ना थिरु? हाँ? वो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है यार, बहुत अच्छा निकला वो तो। ऐसा क्या किया उसने? पर शिवानी के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद वो उसे शादी करना चाहता है। सच में? हाँ यार, he is really great। सारा बेटी। पापा, कहाँ गए थे आप? मेरी प्यारी बेटी सारा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरी तो सांसें फूल गईं। सारा, उस दिन अस्पताल में मुझसे वो मिलने आई थी ना, वो तुम्हारी दोस्त शिवानी, जिसका तुम अपने एसोसिएशन के जरिए ट्रीटमेंट करवा रही हो। हाँ? उस लड़की से एक लड़का प्यार करता है और उसे शादी भी करना चाहता है। वेट, उसने दाढ़ी रखी हुई थी क्या? यस। थिरु? हाँ, वही। मुझे भी ये बात अभी पता चली। वो उस लड़की से बेहद प्यार करता है बेटी। उस लड़की का आज अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन है। सर, थिरु, एक गुड न्यूज है। वो जो 15 दिन में मरने वाली लड़की थी ना, जब मैंने उसे तुम्हारे प्यार के बारे में बताया तो उसकी पल्स और हार्टबीट सब नॉर्मल हो गई है। उस लड़की का मैंने आज ही ऑपरेशन किया था। इट्स अ मैजिकल मिरेकल। उस लड़की की उम्र बढ़ गई है। सर, सच में? हाँ थिरु, प्यार की ताकत मुझे आज समझ में आई। उसने कुछ कहा क्या सर? पहले तो वो हिचकिचाई, फिर मेरी बेटी ने खुद तुम्हारे बारे में उससे बात की और उसे मना लिया। ओह, सो स्वीट। अपनी बेटी को मेरी तरफ से थैंक्स कहना सर। मेरी बेटी यहीं खड़ी है, तुम खुद ही उसे कह दो। बेटी, हाँ? शिवानी का बॉयफ्रेंड थिरु। हाँ? अच्छा, थिरु है? हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। अच्छा थिरु, तुमसे कुछ पूछना था। उस लड़की में तुमने ऐसा क्या देखा? उसकी खूबसूरत शक्ल ने मेरा मन मोह लिया। हाँ? आपकी हंसी भी उसकी हंसी जैसी ही है। सही टाइम पर आ गए हो डॉक्टर साहब। मेरी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आए हैं। अरे बाप रे, ये एंटिक पीस कौन है साथ में? डॉक्टर की बेटी होगी, शक्ल से तो नहीं लगती, शायद माँ पर गई होगी। हम यहाँ पर आए हैं 2 दिलों का मेल करवाने के लिए। तुम्हारे दिल में जो भी है खुलकर बोलो। Come on. पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा था मुझे तभी प्यार हो गया, लेकिन तुम हाँ करोगी या ना करोगी दिल में थोड़ा सा डर था, बट तुमने हाँ कर दी, वो भी इसके समझाने पर। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, अच्छा।
इनके दिल में क्या है इन्होंने कह दिया, अब तुम्हारे दिल में क्या है वो तुम भी बोल डालो। दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन एक लड़की के लिए खुलकर पब्लिक में प्यार का इजहार करना थोड़ा मुश्किल होता है। I understand. लेकिन इन आंखों में उमड़ता हुआ प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। नमस्ते नमस्ते, आई नमस्ते। लड़की के नए नक्श तो बहुत सुंदर है। एक अच्छा सा दिन देख के शादी करवा दे क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं? आकर क्या बेकार की बातें कर रहे हो, कोई अच्छा सा दिन देकर शादी करवाने की बात करो ना। बाप रे, कानपुर में हड़ताल है सर। इसे ना थोड़ा कम सुनाई देता है। लेकिन मुझे ठीक से सुनाई देता है। समझी जी, बहुत मजा किया है। आज दोनों परिवार कितने खुश हैं और उसकी वजह बस ये लड़की है, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ सर। क्या मैं उसके साथ एक मिनट? जाओ। थैंक यू सो मच। सारा सारा सारा, पानी दे उसे। हाँ डॉक्टर, ये लो। ए थिरू, आपने तो कहा था मेरी गर्लफ्रेंड एकदम ठीक हो जाएगी, लेकिन वो रोड पर चक्कर खाकर गिर गई। लेकिन वो तो मेरे सामने बैठ के मसाला डोसा खा रही है। क्या मसाला डोसा? अरे छोले भटूरे आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए कैब में डोसा मंगवा लिया। ओए डॉक्टर, मेरी गर्लफ्रेंड कन्फर्म मेरे सामने है। तुम कहाँ पर हो? रुको, आप दोनों इंसानों की तरह बात करो प्लीज। तुम्हारी लवर को लेके आया हूँ थिरू। सर हाँ, ये तो आपकी बेटी है सर। हाँ? ये रही मेरी लवर। अरे हाथ अपना, ये देख लवर। हाथ क्या है? पापा, नो। अरे वो मेरी बेटी है। बेटी को लवर बोल रहा है, लवर को बेटी बोल रहा है। हाँ? इसका मतलब आपकी डॉटर ही मेरी लवर है। अरे क्या कंफ्यूजन है? अच्छी तरह बताओ। हाँ? कौन है बेटी और कौन है लवर? हाँ? ये तो बोल चुका है, आप दोनों ही भटक गए हो। डॉक्टर डॉक्टर, लवर लवर। सोच क्या रही हो? 15 दिन में मरने वाली हो ये जानते हुए भी ये आपसे शादी करना चाहता था, मतलब सोच लो आपसे कितना प्यार करता होगा। पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा था मुझे तभी प्यार हो गया। ये सब कैसे हुआ? इतनी कम उम्र में आपके साथ? लेकिन उसकी लंबी उम्र की मन्नत मांगकर वो ये पूजा कर रहा है। तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, इस बात को यहीं खत्म कर दो। ऐसा बोलूंगी सोचा था, लेकिन सच तो ये है कि प्रॉमिस